तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। कैसी लगी स्टोरी? चलो अब ना हम सिंगिंग कंपटीशन करते हैं। जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना तो मैं एक गाना गाती हूँ। जल्दी से हाथ खड़ा करो, कौन पहले गाना गाएगा? मैं। वासिक, मैं तुम्हारे रूम में इंतजार करता हूँ, ठीक है? अंकल थोड़ी देर रुक जाइए, बच्चों को अच्छा लगेगा और शायद आपको भी। जी। अरे रानिया गाना गाओ ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हो तुम लोग? चलो फिर मिलके गाते हैं। हाँ तो ये जहां जाती है तमाशा लगा देती है, तो टेंशन सीख करने का बड़ा ही शौक है। अरे माहिर तुम आओ ना, ज्वाइन करो ना हमें भी। नो थैंक्स, गला खराब है मेरा। और तुम? अंजुम आपी किससे कह रही है? इनकी आवाज कभी सुनी है? ऐसा लगता है फटा ढोल। बच्चों बच्चों बच्चों, जब ये अंकल गाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कवाक कर रहा है। और जब ये बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं, तभी तो सिर्फ घूर रहे हैं। चलो बैठो शेर। तुम मजाक कर रहे थे बच्चों को खुश करने के लिए। बच्चों को खुश करने के लिए मजाक करना ना तुम दोनों आपस में करो, मुझसे नहीं करो। और तुम 5 मिनट में सिर्फ तुम्हारा गाड़ी में वेट करूंगा, अगर तुम आ गई तो ठीक, वरना गुड बाय। अच्छा ये बात है ना, तो ठीक है जाएं और जाकर अम्मा जी का लेक्चर अटेंड करें। अकेले जाने पे आपको पता है ना कैसी डांट पड़ेगी। खड़े क्यों हैं? जाएं ना जाएं। यदि दादी को तो तुमने अपने शहर में जकड़ दिया, मासूम है ना बेचारी, समझ नहीं पा रही तुम्हारी ये होशियारियां। अच्छा चलो शुक्र है आप तो समझ गए। जी समझ गया हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। आ रही हो या जाऊं मैं? सॉरी बच्चों लेकिन मुझे जाना होगा, लेकिन आप सब मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। प्रॉमिस? गुड। चलो मैं चलती हूँ, बाय, फिर आऊंगी। हाँ डॉक्टर वासिक मैं चलती हूँ फिर। थैंक यू फॉर कमिंग रानिया जी, आप मेरे कहने पर आ गई। और देखें ना आपके आने से वार्ड के सारे बच्चों के चेहरों पे खुशी, उम्मीद दोनों नजर आने लगी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। फिर आएंगे ना? जरूर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा अंकल। अब इन अंकल को भी बेवकूफ बनाएगी। ड्रामा कोई किसी को नहीं छोड़ती। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चले हाफ़िज़। Bye. ये फजूल बंदा जब भी मुझसे खफा होता है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा लग रहा था ना तुम्हें, सबके बीच में बैठकर भांडों की तरह सबको गाने सुनाना। बीमार बच्चे थे वो, हॉस्पिटल के इतने डिप्रेसिंग माहौल में रह रहे हैं, उनकी मायूसी खत्म करने के लिए अगर थोड़ा सा फन कर लिया तो इसमें बुरा क्या है? हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। अगर लेना देना नहीं है तो ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हैं? वैसे भी मुझे ये गुब्बारे की तरह फूले हुए फेस ना देखकर उलझन होती है, इसे बराए मेहरबानी अपना मूड ठीक कर ली। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, ओके? तुम ये गाना गाओ या बंदरों की तरह नाचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बंदा कौन था जिसे तुम दोबारा मिलना चाह रही थी? इधर देखो ना, बताओ कौन था वो? उसकी बेटी पसंद आ गई है आपके लिए, रिश्ता करवाना चाह रही हूँ आपका। कभी किसी बात का तुमने सीधा जवाब दिया है? आपने कभी कोई सीधा सवाल पूछा है? ऐसे सवाल करते कि मेरी खोपड़ी घूम जाती है। याद रखना, तुम्हारे मियाँ जी ने ना तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए नहीं। और वो वासिक, वो डॉक्टर तो मुझे पहले दिन से बुरा लगता है। आपको अच्छा कौन लगता है? और आप डॉक्टर वासिक को जानते कितना? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। और वो अंकल भी, चाचा भी फ्रॉडी है। उनके बारे में तो मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, आई समझ? वैसे आपको देख के ना मुझे मेरे इलाके की माई जिंदा याद आ गई है। तो ये कि आप माई जिंदा का ना दूसरा रूप है। उसे भी कोई पसंद नहीं आता था, हर एक के बारे में कीड़े निकालती थी, एतराज करती थी। आप भी माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे ही है ना। तुम्हें माई जिंदा को याद करना है या उसके मामे को, आई डोंट केयर, लेकिन अपने दिल के अंदर करो। उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो बिल्कुल इनके जैसे होते, यही शक्ल, यही एज। कितने डिसेंट और स्वीट है ना। पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी इनसे। ये तो वाकई खामोश होकर बैठ गई है, घर जाकर के शिकायत ही ना लगा दे। ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे इससे। आइसक्रीम का पूछता हूँ, न दीदी तो यह है ही, फौरन से दांत निकाल कर हाँ कर देगी। सुनो, आइसक्रीम होगी? नहीं, और दोबारा मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं कुछ देर खामोश रहना चाहती हूँ, आप भी खामोशी से ड्राइव करें। वही रबील के ससुराल वाले बड़ी धूमधाम से ब्याह करना चाह रहे हैं। वाकई? हाय कितना मजा आएगा। ओए अम्मा जी, ओए आप रिश्ता करें, जरूर करें, लेकिन मेरे आने के बाद। ये मैं आपको बता दूं, मेरे बगैर आपने कोई फंक्शन नहीं करना। मैं आ रहा हूँ इस दफा छुप छुपा के। तू तो 20 साल से ये तसल्लियां दे रहा है, पर आता तो नहीं है। वो कह रहा हूँ ना अम्मा जी, इस दफा मैं आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ, और यूं आपके कदमों में आके बैठ जाऊंगा अपनी जन्नत में। हाय कितना शुगर लगेगा ना, हल्ला गुल्ला होगा। आपने ऐसी मोना को इतनी जल्दी भेज दिया। अरे मैंने तो दबीर अंकल से बात करके मोना और उस शहजादे गुलफाम का रिश्ता तय कराना था, पर मोना चली गई। अब इतनी जल्दी तो कोई ना हिम्मत आता है। सीमा इथे आ, थे छेती कर ना, आ ए अपने जेठ दे नाल गल कर, ते सिटी दी तरह ना बनी जेड़ा मुंह ना दिखांदी है ना मत्था। अस्सलाम वालेकुम पान दबीर, कैसे आप फिट हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो सीमा, ठीक ठाक हो? और वो मेरे मुझंदर भाई का क्या हाल है? हेलो लिसन, अगर मेरे डैड को अपनी मुट्ठी में करके तुमने कोई नई साजिश प्लान की ना, तो याद रखना रफीक अंकल के बेटे इस तचुंदर खावर के साथ मैं तुम्हारी शादी कर लूंगा। कुछ नहीं, हर वक्त तुम मेरे खिलाफ में साजिशें प्लान करती रहती हो, हमेशा मेरी बर्बादी की ख्वाहिशमंद रहती हो। सीधा करो, तुम्हें वक्त आने दो। पायंदबीर साहब आपको बड़ा मिस करते हैं यहाँ पे। हाँ, आपकी कमी ना शिद्दत से महसूस होती है। आप बस जल्दी से आ जाएं और आकर देखें कि आपके भाई ने किस तरह से पूरे घर को संभाला हुआ है। घर का एक एक जिम्मेदारी ना उसने अपने कमजोर कंधों के ऊपर चुकी हुई है। ये तो बहुत हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर सुनाई है तूने। अस्सलाम अंकल जी, कैसे हैं आप? ओए वालेकुम अस्सलाम रानिया बेटा, कैसी हो? है सब ठीक ठाक है ना? ओए तेरा अंकल आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा मुझे बता, मेरी बेटी को क्या चाहिए, यहाँ से क्या लेके आओ तेरे लिए? अरे हाँ डैड, आप आते हुए ना रानिया के लिए एक जुबान एक्स्ट्रा ले आइएगा, इसकी अपनी जुबान इसकी बातों के लिए कम पड़ जाती है ना। और चिट्टे बांदर तू भी यही है? और बता क्या हाल है तेरे, जख्मों का ठीक ठाक है ना? जख्म तो कब के ठीक हो गए अंकल जी, दिमाग ठीक नहीं हुआ, उसकी तो लगता है वारंटी भी खत्म हो गई है। बात तो तूने 16 सही कही है डैड। एक्चुअली मैंने आपको, अरे डैड ड्यूटी फ्री जाएंगे, बहुत सी चॉकलेटें लेकर आइएगा। ये सारे नदीदे बैठे हुए ने तेरा इंतजार करन, छेती आ तू सारी चीजा लाके। अच्छा जी डैड, मुंह खोलो मानो। ओहो क्या हो गया, छेती छेती करो नाश्ता, लेट हो रहे स्कूल के लिए। मुंह खोलो। मम्मा ये सुबह सुबह बॉयल एग क्यों खाने पड़ते हैं? नहीं टीपू जी, मुझे लग रहा है कि आज अंडे के बजाय डंडे खाओगे तुम। चाची अब जाके चाचू को उठाएं, मैं इनको नाश्ता करा देती हूँ, मेरी बात सुनते हैं। पक्का ना? पक्का पक्का। चलो बच्चों शुरू हो जाओ, बताओ क्या खाओगे? केक? ये लो। तुमने क्या खाना है? केक। गुड बॉय, ये लो जल्दी से खाओ। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी? शाबाश। और खाने में ना कभी नखरा नहीं करना चाहिए, अल्लाह जी को थैंक यू करना चाहिए और चुपचाप खा लेना चाहिए, ठीक है? खाओ। हेल्दी सूप बना के लाई हूं, केकड़े का सूप है। वैसे भी रानिया के हाथ का सूप ना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। जल्दी से मुंह खोले। शाबाश। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के। हेलो, ये किसको याद कर रहे सवेरे सवेरे, और याद कर करके मुस्कुरा भी रहे? नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी। अच्छा फिर दफा करें, नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। रानिया चाय पास कर दो। कि केपी अब अगला खाना दे दो। क्या हो गया है, दिमाग ठीक है आपका? सारे काम मुझसे ही करवा रहे। तुम्हें इस तरह सबकी केयर करता देख के मुझे अपनी मामा की याद आ गई थी। कभी इस तरह किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, कभी इस तरह मेरी केयर नहीं की, छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखा। सॉरी, मैं गाड़ी की चाबी ले आता हूँ, तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप करना ना। लगता है माहिर भाई को अपनी मम्मा याद आ गई है। हाय बिन माँ का बच्चा, पता नहीं दिल में कैसी कैसी हसरतें छुपाए हुए हैं। वाकई माँ की तरह तो कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ नहीं है ना सर पे, इसलिए थोड़े थोड़े बिगड़ गए। बच्चों अगर नाश्ता कर लिया तो चले? हाँ चलो, खैर से जाओ और खैर से आओ। चलो चलो आ जाओ। एक सेकंड रुको। याद आ गया, हो गया, अब जा बाय। चलो बच्चों चलो। ओह लंच जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं जी। सुबह ही सुबह माँ याद आ गई बेचारे मासूम को, जैसे मैं अपने बाबा को याद करती हूँ अपनी मामा की कमी महसूस करते हैं। दोनों की जिंदगियों में ही खालीपन है, हमारा गम एक सा है। ले भाई रफीक अहमद, मैं ते राबेल दी सस मिल के एक बहुत ही बड़ा फंक्शन करना ले आं। भाई लोगों को पता चले कि अजरा जहान जिहड़ी हैगी ओह अपने बच्चों के विआह एवें एवें फैमिलियां विच नहीं करदी। ते वेख हुण तू भी साडे नाल उच्चा हो गया है। आपा जी आपने बुलाया तो मैं चला आया, वरना मेरे इस नालायक बेटे ने मुझे बड़ा ही शर्मिंदा कराया है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब देखे ना, एक तरह से तो अच्छा ही हो गया ना, हमारी राबेल को कितना प्यारा दूल्हा मिल गया। अब अगर खावर से शादी हो जाती तो दुनिया क्या कहती, इनकी जोड़ी देखे तो अफसोस से करती रहती। रफीक अहमद तू दिल छोटा ना कर, खावर चंगा पैसों वाला बंदा है, इनू बथेरे रिश्ते आएंगे, तू क्यों परेशान होना है। ते अपनी मर्जी का ब्याह करेगा ते खुश रहेगा। मैंने बड़ा पूछा है आपा जी, पर कहता है कि मैंने हर लड़की को आज तक बाजी और आपा कह के पुकारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर लड़की मेरे साथ यही रिश्ता बनाना चाहती है, इसके अलावा कुछ और नहीं। लो जी, ये तो एहसास से कमतरी वाली बात हो गई फिर से। ऐसे भी बुरे हालात नहीं आगे खाबर, क्या हो गया? मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगी खाबर के लिए रिश्ता है। लड़के की शक्ल से पहले इसकी गाड़ी का मॉडल और बैंक बैलेंस बताऊंगी, फिर देखना लाइन लगेगी रिश्तों की। नहीं नहीं, लाइन की कोई जरूरत नहीं, मेरी मोना है ना, हम मोना की शादी खाबर से करवा लेते हैं। तू तो कह रही है कि मोना का रिश्ता पक्का होने लग गया। ना ना, रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन निकाह तो नहीं हुआ ना। और वैसे भी खावर ज्यादा तगड़ी पार्टी है, खावर जैसा अच्छा लड़का मोना को कहाँ से मिलेगा, बेहतर नहीं मिल सकता। हाँ, हमारी तरफ से हाँ समझे। मैं कहता हूँ आप लोग एक दफा फिर सोच लें, मेरा दूसरी बार रिश्ता टूटा ना तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरे से कोई शादी नहीं करेगी। वैसे गल सुन सीमा, तू पहले मोना को पूछते ले, तो नाले कारी तो जिक्र कर भाई लड़की दा मामला है, तो कुछ इंक्वायरी करवा लेंगे। फैसला हो गया अम्मा जी, और मोना तो छोटी बहन है मेरी, बड़ी फरमाबरदार है, मैंने कहना है उसने मानना है। और इतना अच्छा अमीर तरीन लड़का है, खाबर है, हल्की फुल्की अगर खामियां है तो कोई बात नहीं। हेलो जी आपा जी, आपकी फैमिली से हमारा एक और रिश्ता जुड़ गया। खैर करे, कहीं इस फुलचड़ी ने मेरा रिश्ता तो पक्का नहीं करवा दिया। मुबारक मुबारक भाई, रिश्ता पक्का हो गया, मुबारक हो आपको। अब खबर और मोना का मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। एक बार हम फिर इस खानदान के दामाद बनेंगे। सीधा होके बैठ, खानदान के दामाद। मैं मिसेस खावर को तो बताऊं। हाँ जी आसो आसो। महीर आजा आजा, खाए ना आप लोग, ले ना कुछ। लो अब आएगा ना, समोसा खाने में मजा। हमाद मोबाइल दो जल्दी, छेती ये पड़ा हुआ उठा लो। हेलो मोना, तेरे लिए शदीद खुशखबरी है, मैंने तेरे लिए अमीर कबीर भोला भाला लड़का ना सिर्फ ढूंढ लिया है, बल्कि तेरा रिश्ता पक्का करवा लिया है। अरे भाई क्यों, आपको बताया तो था कि यहाँ वाले रिश्ते भी मेरे बस पक्के होने वाले। ओहो, उधर तुम्हारा हो रहा है, यहाँ पे पक्का हो गया है। हाय इतना अमीर है, बिजनेस, प्रॉपर्टियां, घर, बंगले, राज करेगी तू राज। तू तो नसीबों वाली है, नसीबों वाली। दुनिया की एक ही सच्चाई है मोना, पैसा। अब मुझे देख ले, है निकम्मा निकट्टू मेरे पल्ले पड़ गया है, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सड़ी बुसी है। तू तो नसीबों वाली मेरी जान। वैसे ये अचानक कैसे रिश्ता मिल गया आपको मेरे लिए? या फिर महीर मान गया? ना ना ना, देख महीर जैसे गुड लुकिंग शहजादे टाइप जो होते हैं ना, वो शादी के लिए अच्छे नहीं होते। हाँ, उनकी बीवियां हर वक्त टेंशन में अपना सर पकड़ कर बैठी होती हैं, हर वक्त अफेयर इधर उधर हर जगह पे है, आखिर में दिल की मरीज बन जाती हैं। इसीलिए तेरे लिए अमीर तरीन लेकिन बड़ा भोला भाला लड़का चुना है मैंने, है ऐसा लड़का जिसको लड़कियां एक बार देखने के बाद पलट कर देखना ही नहीं पसंद करती, देखकर फौरन भाईजान कह देती हैं। क्या? कौन है वो? भाई क्या करने वाली है मेरे साथ आप? बाजियों तुम्हारी, दुश्मन नहीं। इसलिए खावर जैसा अनमोल हीरा चुना है मैंने तेरे लिए। क्या वो खावर? अरे उसे तो राबेल घास नहीं डालती है, उसे मेरे सर पे क्यों मार रही है? आय हाय, वो झल्ली तो जिंदगी भर पछताएगी, बता रही हूँ तुझे। खावर के बारे में मत सोच, दुनिया जहान के शॉपिंग मॉलों के बारे में सोच। जा तू, जा जाके शॉपिंग करेगी। और मेरी बात सुन, अमीर होने के बाद अपनी गरीब बहन को मत भूल जाना है, बस चेती ना, टिकट कटाओ और आ जा। ओके, लव यू मोना डार्लिंग। हाँ वो ठीक है, लेकिन हेलो मेरी बात सुनो। अब हाय अल्लाह, अब क्या करूं? ये कब हुआ है? किसी ने मुझसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। इसी से पता लगा लो इस घर में तुम्हारा क्या मुकाम है, हैं? बेले जो हो ना, दैट्स व्हाई। मेरा कमरा इतना साफ कि मेरा कमरा है या किसी और का? नहीं, आप ही का कमरा है, मैंने साफ किया खुद, थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज किया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, वो मैं ना अपने साबका रवैये की माफी चाहती हूँ। चाय चाय पियेंगे ना? मैं बना रही हूँ आपके लिए विदाउट शुगर, अभी लाती हूँ। हेलो। हाँ सालिक, कैसे हो? अरे मैं तो बहुत मजे में हूँ। तुझे पता है, बड़े दिनों से मैं एक उलझन का शिकार था यार। आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिसने मुझे इग्नोर किया था। ये वाहिद थी रानिया, लेकिन आज ये लाइन पर आ गई। इंप्रेस हो गई है तेरे भाई से। आज सिर्फ मेरी खातिर पूरा कमरा साफ किया, सेटिंग चेंज किया। अभी अभी तो गई है चाय बनाने के लिए, अभी विदाउट शुगर। चल यार, बाद में बात करता हूँ, बाय। क्या है मुझे? मुझे लिफ्ट करा रही है तो मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्या हो गया मुझे? चाय। थैंक यू। विदाउट शुगर पी लूंगा। ये मेरे लिए चाय लेकर आई है, मुझे देखकर मुस्कुराई है। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? लगता है माहिर साहब आप अकल से पैदल होते जा रहे हैं। पुत्र जे माहिर घर होता ना तो मैं तेनू कभी तकलीफ ना देंदी। तकलीफ की कौन सी बात है अम्मा जी, ये इसका भी फर्ज है, घर का होने वाला दामाद है। और वैसे भी ना दमादों को सर पर बिठाने वाली रिवायत ना टूट चुकी है। तारीफ करिए, बेइज्जती करिए। जी 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 अम्मा जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रानिया। दरअसल ये रिवायत जो है वो अभी अभी टूटी है, वो भी रानिया के हाथ है। यस ऑफ कोर्स, और ऐसी बहुत सी रिवायतें ना मैं तोड़ती हुई चली जाऊंगी। रानिया पुत्री तू इंज करी के जरा माहिर नूं ते फोन कर ते उन्हें दस के अम्मा जी बस अपने मामूल दे पिकअप दे वास्ते अस्पताल जा रहे ने ते फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं ते वापसी ते सानू पिक कर लेवे हैं। अरे मम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो पराये वाली बातें कर दी आपने। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए मैंने आपको पिक किया था तो ड्रॉप भी मैं ही करूंगा आपको घर, प्लीज। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। जी जी बस हम ये पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो पहुंच जाएंगे। आ गए ऐसे? हाँ जी जी बिल्कुल जी। तुमने मोना और भाई साहब से पूछे बगैर मोना का रिश्ता तय कर दिया, जबकि वो खुद भी लड़का ढूंढ रहे हैं। अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी तुम्हारी तो वैसे इस घर में बड़ी इज्जत है। मैंने जो भी किया है बड़ा चंगा किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जी कर दिल खोल के जिए, समझ आई है? मेरी तरह नहीं, अपनी बाजी की तरह जो निकी निकी चीजों पे तरसती है। तुम्हें क्या लगता है मेरा नहीं दिल चाहता फर्स्ट क्लास में मैं इंग्लैंड जाऊं, ऐसे मेरे बाल हो, ग्लैमरस हो, बड़ी बड़ी हीलें पहनूं, तो मॉलों में जाके शॉपिंग करूं और लड़खड़ा के गिर जाऊं, फिर दांत टूट जाएं, फिर नवे लगवाऊं, ससुराल वालों का खर्चा कराऊं, जहाज में घूमूं, बाल बनाऊं, लंबी हील पहनूं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें मेरे जैसा फर्मा बरदार शौहर मिला जो हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहता है, तुम्हें जासूसी नहीं करनी पड़ती उसकी। आहो ज़माने से गा मेरी आंखें अपने भतीजे नूं किस तरह ना पहचान दिया है। मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं मैंने वेखिया, जी वो वेख लैंदा ना ते जरूर पहचानदा, की पता पहचान के भी अनजान बन जांदा है। बेदीद जो हैगा अस्सलाम वालेकुम पायन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अनवार पायन? ठीक हो अब्बा जी, बस अल्लाह का फजल है, फिट हूँ। आप सुनाए? मैंने तो आपकी तबीयत मालूम करने के लिए फोन किया था। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज से नहीं लग रहा जिस तरह के आप ठीक हैं। मुझे हमारी आपा की गरज है ना, वो नहीं सुनाई दे रही मुझे। अनवार मैं आज ज़मान नू देखा कितने सालों के बाद, बस अचानक यूं समझो एक झलक ही नजर आई सी मैनू। बस गड्डी में बैठा थे टुर गया, उसने मैनू नहीं देखा। वो आपको देख भी लेता तो उसने यूं ही अनजाना बन के चले जाना था, उसने रुकना नहीं था। जैसे कई साल पहले वो अपनी बीवी बच्चे और हमें छोड़ के चला गया था। तेनू याद आता है? छोड़े अब्बा जी, मैंने आपका हाल हवाल पूछने के लिए फोन किया था। आप बताइए आप कैसी हैं? रानिया कैसी है? तेरी रानिया ते मेरे घर दी रौनक है। मैंने तो ऐसा लगता है की आज कल में मेरे घर में नहीं आई, हमेशा से यही है। अच्छा गल सुन, वो दबीर आ रहे अमेरिका से हैं ते तुसी सारियां ने आना है, सारी फैमिली ने आना है ते इधर रहना साडे नाल। देखना दो चार फंक्शन भी होंगे, सब सारे शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला, ते बस आना है तूने जरूर, याद रखी। अल्लाह अब्बा, अब्बा मुझे लग रहा है कि मेरे ससुराल वाले मेरी उतनी इज्जत नहीं करेंगे जितनी एक दामाद की करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, मुझे लगता है जितनी वो तेरी इज्जत करते हैं ना वो कुछ ज्यादा है, इतनी भी नहीं करनी चाहिए। अपनी हरकत याद है ना या भूल गया? पता नहीं कौन से बाप होते जो औलाद की साइड लेते हैं। और जिनकी औलादें साइड लेने वाले काम करती है ना, वो साइड लेते हैं। अपने करतूत याद कर, तूने उनकी इतनी प्यारी बेटी की तौहीन की थी, एक जमाने के सामने मंगनी से इनकार कर दिया था और उन्होंने साबित कर दिया कि वो खानदानी लोग हैं। और छोटे तो हम बन गए तेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको कैसे समझाऊं? चुप करके बैठ जा, मेरी चाय का मजा किरकिरा ना कर। चाय का असल मजा उसे सुड़क सुड़क के पीने में ही है। अमीरों की तरह नजाकत से चाय पीने से बेहतर है बंदा जहर पी ले। बहरहाल अब्बा, मैंने तो फैसला कर लिया कि ससुराल में रहूंगा तो अकड़ कर रहूंगा, क्योंकि मैंने आज ही कहीं पे पढ़ा है कि जो लोग अपनी इज्जत आप नहीं करते ना, जमाना भी उनकी इज्जत नहीं करता। तो अब बहुत होगी बेइज्जती, अब वक्त है अपनी इज्जत करवाने का। ओए, जा जाके मेरी पालतू मुर्गियों को दाना डाल, बड़ा आया इज्जत वाला है। और ख्याल करना है ना तो अपनी दाढ़ी मूछों का कर, जिन्हें देखकर मुझे उस झाड़ू का ख्याल आता है जो किसी शरारती बच्चे की वजह से बिखर गई हो। इनका कुछ कर, वरना मैंने इनका नामो निशान मिटा देना है। जब से तूने रावेल से मंगनी से इनकार किया है ना, जहर लगने लगा तू मुझे। अगर तू मेरी औलाद नहीं होता ना तो सारी जिंदगी तेरी शादी ना करवाता। आप उतर रानिया, कैसी हो? ये सारा का सारा फसाद रानिया का फैलाया हुआ है। ना मुझसे रावेल के लिए इनकार करवाती, ना अब्बा मुझसे खफा होते। खैर रानिया बेटा, अब तुम देखती जाओ, आ रहा हूँ मैं खालिस दामाद बन के। अब तुम सब भुगतोगे। हाय मेरा दबीर, इन्ने साल बाद आ रहा है, इतनी खुशी है मैनू, मैं दस नहीं सकती। रेंज करी पुत्री, ओदा कमरा जो है ना तू अपनी निगरानी में जो सेट कर दी है। ठीक है माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ। प्लीज छेती छेती चलो, काछू कुमो बन जाते हो तुम लोग, हैं जाना नहीं है बाहर। अम्मा जी हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, रात को देर से आएंगे, परेशान ना होइएगा। हाला जा जा। अरे कैसे जाएंगे, गाड़ी तो सालिक लेके गया हुआ है। चलो जी प्रोग्राम कैंसिल कैंसिल। चलो हम आज, मेरी बात सुन ले, आज अगर गधा गाड़ी पे भी जाना हो ना तो हम आउटिंग पे जाएंगे, समझ आए? कमरे में जाने की कोशिश भी ना करें, बाइक पे चलेंगे। क्या कर रही हो, एक बाइक पे चार बंदे बैठेंगे ना, बाइक की जान निकल जानी है। इस शहर में तुमने देखा नहीं है साथ साथ लोग फिट हो जाते हैं बाइक पे, हम तो सिर्फ चार हैं। मुझे लगता है आज हमारी बाइक हमारी बेगम के शौक पे कुर्बान हो जाएगी। सुस्ती दा मारा, चल आजा बच्चियां नू, आ ते सीमा सारा शहर घुमाई आ जन्नू। आहो चलो चलो बच्चों, जाओ जाओ एंजॉय करो। थैंक यू अम्मा जी। अरे मजा आएगा। मम्मा ने प्रॉमिस किया था ना। हाय मैं मर गई। हमाद उठो ना, क्या कर रहे हो, डरा रहे हो। चलो चलो मम्मा, मैं तो बैठूंगी। टंकी उठाओ। आओ भी पुत्र, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यो अल्लाह। मम्मा मैंने भी बैठना है, मैं कहाँ बैठूं? जरा और खिसके ना, टीपू ने भी बैठना है मेरे साथ। ओ मैं कहाँ खिसकूं, हैंडल पे जाके बैठ जाओ, इसको यहाँ बीच में एडजस्ट करो ना। किधर एडजस्ट करूँ, मैं खुद गिरने वाली हूँ। थोड़ा आगे हो जाए ना बाबा। एक काम कर भाई, तू पीछे एक्स्ट्रा चेयर लगा ले, कहीं नहीं जा रहे, तमाशा लगा दिया है। तो भाई चलो, मतलब एक घंटा लगा के तैयार हुए, हम जा रहे हैं, चलो। अच्छा तो तुम मुझे आइडिया दे दो कि इस मोटरसाइकिल में हम चारों कैसे बैठ के जा सकते, बताओ। मुझे नहीं पता, जाना है तो जाना है। एक काम करो, हम तीनों यहाँ रुक जाते हैं, तुम अकेली मोटरसाइकिल लेके फुर्र करके चली जाओ। हमेशा औखी बात क्यों करते हो, ऑफ मूड कर देते हो तुम। एक सेकंड, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो रही है? महीर देख लो, हमेशा मुझे ही अपने अरमानों का गला घोटना पड़ता है। खुश थे हम लोग आउटिंग पे जा रहे थे, लेकिन नहीं, बस मेरे नसीब ही खराब हैं। हुआ क्या है? फिट नहीं आ रहे ना बाइक पे। अच्छा हाँ, तो आप एक काम करें कि बच्चों को यहीं छोड़ जाए, आप लोग जाए। माहिर भाई हम लोगों ने भी जाना है। अरे तुम लोग यहाँ रहो, मैं हूँ ना, मैं ले जाऊंगा तुम लोगों को। आ जाओ आ जाओ, मामा पापा को जाने दो, आओ इधर आओ। है थैंक यू बेटा जी, देखा बच्चों का मसला हल हो गया ना। चलो उतरो उतरो मानो। और कोई बहाना रहे तो नहीं क्या? अच्छी खासी जान छोड़ रही थी, फंसा दिया ना तूने मुझे। ओके बाय बाय बोलो मम्मा पापा को। बाय बाय बाय। माहिर भाई घर में तो कोई गाड़ी ही नहीं है, अब हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे जाएंगे? अरे परेशान क्यों होते हो, माहिर भाई है ना, मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा, कैब बुलाते हैं ना। लेकिन बात सुनो, एक शर्त है, रानी है ना, रानिया बाजी, इनको जाके बोलोगे हमारे साथ चले। तुम लोगों को काबू करने के लिए शरारती इतने तुम लोग, वो चलेंगी तो हम जाएंगे। हाँ माहिर भाई, जब वो जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अच्छा मानो उनके साथ मजा आएगा, भाई के साथ मजा नहीं आएगा। सुनो अंदर जाओ, जाके बुला के ला। तुमको बुलाना कौन सा मुश्किल काम है, अभी बुला लेता हूँ। उसको ये नहीं बोलना कि मैंने बुलाया है, तुम दोनों उसे अपनी जिद की वजह से लेकर जा रहे हो, ओके? तो और क्या, वैसे भी वो आपके कहने पर थोड़ी आएंगी, वो आपको सीरियस थोड़ी लेती हैं। ज़्यादा बकवास नहीं किया करो, इतना काम कहा जाए उतना करो। चलो चलो लेकर आओ, बहुत शरारती हो गया ये। माहिर भाई आपको हमारे तरह रानिया आपको बहुत अच्छी लगती है क्या? रानिया मुझे क्यों अच्छी लगेगी, अरे एक नंबर की चुड़ैल है वो तो। मैं तो सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि तुम लोगों को ख्याल रख सके। ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है तुम लोग उसकी कंपनी एंजॉय कैसे करते हो, शी इज सो बोरिंग है ना। नहीं आज बहुत मजा आएगा। टीपू ने कहा आपने बुलाया मुझे? क्या मैंने बुलाया? टीपू अरे झूठ बोल रहा है ये, बच्चे जिद कर रहे थे कि बाहर जा रहे हैं, रानिया आपी को भी साथ ले लेते हैं, मैंने बोला ओके Why not? अच्छा चलो ठीक है, मुझे ना दबीर अंकल के लिए शॉपिंग भी करनी है उनके रूम के लिए, तो मैं लगे हाथ शॉपिंग भी कर लूंगी, चलते हैं। अच्छा मैं चेंज करूँ क्या सही है? चेंज करना है करो, नहीं करना है ना करो, तो क्या फर्क पड़ता है। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के।